हॉलीवुड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 की कंटेस्टेंट प्रियंका चाहर चौधरी अब हो रही हैं जगह जगह स्पॉट। लगातार इनसे फैंस पूछ रहे हैं एक ही सवाल कि आखिर किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगी आप। लेकिन क्यों प्रियंका अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हैं अपने फैंस को? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है सलमान खान की फैमिली, सलमान खान का परिवार। पर क्यों? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस की विनर तो नहीं बनी, लेकिन सलमान ने उनको ताबड़तोड़ काम दिलवाया है इंडस्ट्री में। कई सारी फिल्मों में प्रियंका को काम मिल रहा है, साथ ही साथ एकता कपूर के नागिन साथ में भी वो नजर आने वाली है एज अ लीड एक्ट्रेस। पर यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रियंका इस बारे में कुछ भी अपने फैंस को क्यों नहीं बता रही हैं? और उसकी वजह है सलमान की फैमिली। जी हाँ, सलमान की फैमिली ने प्रियंका को सख्त हिदायत दी है कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपनी कमिटमेंट्स के बारे में कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब तक सलमान खान अपनी फिल्म को खुद अनाउंस नहीं करते, तब तक किसी को हक नहीं है कि वो अनाउंस करे। और ऐसे में धुनकी के बारे में भी प्रियंका ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि आफ्टर ऑल धुनकी भी एक बड़ी फिल्म है जो कि वो शाहरुख खान के साथ कर रही हैं। और ऐसे में शाहरुख ने भी उनको मना कर दिया है कि ऑफिशियली सिर्फ हम ही अनाउंस करेंगे और उसके बाद आप बोल सकती हैं आपको जो बोलना हो, लेकिन फिल्म की कहानी, उनका रोल, सब कुछ प्राइवेट रखा जाएगा। वेल, दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या सलमान प्रियंका को लीड रोल दिलवाने वाले हैं सब फिल्मों में या फिर पैरेलल लीड? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।